కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారును ఓడిస్తేనే రాజ్యాంగం రక్షింపబడుతుందని అంబేద్కర్ మనవడు ప్రకాష్ అంబేద్కర్ అన్నారు. మంగళవారం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన సభకు హాజరైన ఆయన బీజేపీ పాలనపై విమర్శలు గుప్పించారు. రాజ్యాంగబద్ధంగా నడవాల్సిన ఈడీ సిబిఐలను బీజేపీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉపయోగిస్తుందన్నారు. అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగ రక్షణ కోసం వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీని ఓడించాలని ప్రజలకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. Economic Department, Economic Intelligence, CB, IB और RAW को कैसे इस्तेमाल कर रही है ये हम लोग देख रहे हैं और हर किसी की आवाज दबाने की कोशिश यहाँ पे चल रही है, हर किसी की आवाज दबाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जमात-ए-उलमे हिंद भी यहाँ पर बैठे, उनसे भी पूछता हूँ कि भी आपके घर में अगर ईडी आई, जैसे आम लोगों के घर में ईडी आती है और ईडी के अधिकारी ने कहा ये दबाना है या खुलाना है, छट के अपनी आवाज निकाल दी, नहीं भाई इसको दबाना है, तो वो कहता है दबाना है तो इसकी कीमत है, अगर कीमत नहीं देना है तो तिहाड़ जेल है, कीमत दोगे तो आजादी हो, तो आम आदमी क्या चाहेगा, भैया जो कुछ तू ले ले लेकिन मेरी आजादी बरकरार रखना, मेरी आजादी जो है बरकरार रखना। जितने भी मुस्लिम लीडरान है, संगठन है या आम आदमी भी है, जिन नेताओं पर विश्वास रख रहा है, जिन संगठनों पर विश्वास रख रहा है, क्या उन पर ईडी के केसेस है या नहीं है, क्या ईडी के और सीबीआई के दायरे में वो आ चुके हैं या नहीं आ चुके, अगर वो ईडी और सीबीआई के दायरे में आ चुके हैं और मोदी और अमित शाह ने कहा हमसे समझौता करते हुए हो या जेल में जाते हो, तो वो क्या स्वीकारेंगे, डरने से भी आप लोग बोल रहे हो क्या स्वीकारेंगे, और उन्होंने समझौता हो गया तो आपका क्या हो गया, आप तो बारह के भाव में चले गए। इसलिए आज का वक्त है कि हम लोग अपनी हिफाजत खुद ही करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।